अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू एमन खान यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी वो है वैक्स के बारे में कि आप लोग कैसे घर में वैक्स कर सकते हैं। उसके लिए जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वैक्स क्रीम, वो मैंने ली है लेमन वालों की वैक्स क्रीम, सूथिंग लोशन, तिब्बत का मैंने लिया है टेलकम पाउडर। आप लोग तिब्बत का नहीं, आप लोग कोई भी टेलकम पाउडर ले लें। और हम लोग लेंगे वैक्स स्ट्रिप। इस तरह की स्टिक से हम वैक्स अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पे। हमारी वैक्स का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम वैक्स को माइक्रोवेव में लगा के गर्म करेंगे। हम लोग 1 मिनट के लिए लगाना है और 35 सेकेंड के अंदर हम लोग इसे बाहर निकाल लेंगे। आप लोगों ने इसके टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने वैक्स को ज़्यादा गर्म कर लिया तो आप लोग जब इसे स्किन पर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की स्किन डैमेज हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने वैक्स को ठंडा अपने लगा लिया, गर्म ना हो या आप लोगों की वैक्स सही, तो उस तरह से आपके बाल नहीं सही उतरेंगे। इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों की वैक्स जो है वो सही गर्म हो, ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ठंडी हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। अब मैं इसे माइक्रोवेव में लगा के आती हूँ 1 मिनट के लिए और 35 सेकंड में मैं इसे निकाल लूँगी। हम लोगों ने सबसे पहले पाउडर इसलिए अप्लाई करना है ताकि हम लोगों के कोई स्पॉट ना पड़े वैक्स को उतारने के बाद। हमारी स्किन जो रेड हो जाती है वो भी नहीं होगी। और आप लोग, हम लोगों ने सबसे पहले पाउडर अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, ठीक है। पाउडर लगाने के बाद हम लोग अपनी स्किन पर वैक्स लगाएंगे, फिर उसके बाद इस स्ट्रिप से हम लोग वैक्स लगा के उतार देंगे। और उसके बाद एंड पे हम लोग सूथिंग लोशन क्यों इसमें यूज़ करेंगे, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो जब वो लोग वैक्स यूज़ करते हैं ना तो उन लोगों की स्किन पे रेड कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, या वैक्स ख़त्म करने के बाद रेड कलर के जो स्पॉट होते हैं वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग वैक्स करने के बाद आप लोग लाजमी सूथिंग लोशन अप्लाई किया करें ताकि आप लोगों की स्किन पे कोई भी रेड कलर का स्पॉट ना पड़े, या कोई भी अगर आप लोगों की सेंसिटिव स्किन है तो आप लोग लाजमी सूथिंग लोशन यूज़ करना है आप लोगों ने उसके बाद। ठीक, ये मैंने वैक्स को गर्म कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने वैक्स कैसे करनी है। ये देखें, हम लोगों ने जो वैक्स है वो हमेशा अपने बालों के रुख को देख के लगानी है। देखिए जो इसके बाल हैं ये इस साइड से निकल रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो वैक्स है हमारे पास वो हम इस साइड से लगाएंगे और इसके ऑपोजिट साइड से उतारेंगे। आप लोगों ने वैक्स करते हुए ध्यान रखना है कि जिस रुख से आप लोग वैक्स अप्लाई करते हैं ना, आप लोगों ने हमेशा उसके ऑपोजिट साइड से वैक्स को उतारना होता है। कभी भी जिस साइड से वैक्स लगाते हैं ना उस साइड से नहीं उतारते। और आप लोगों ने इसी तरह नहीं करना कि आप लोगों के बाल, आप लोगों ने इस साइड से वैक्स लगा लेनी है। अगर आप लोगों के बाल इस तरह से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना तो आप लोगों ने ऊपर से वैक्स लगानी है और नीचे से उसे उतार देना है, ठीक है। इसके जो बाल है वो इस साइड से आ रहे हैं इसलिए मैं इस साइड से वैक्स लगाऊंगी और इस साइड से उतारूंगी। सबसे पहले हम लगाएंगे पाउडर, ठीक है। हम अब लेंगे एक वैक्स स्ट्रिप। अगर आप लोगों ने ज़्यादा वैक्स नहीं लगानी, अगर आप लोगों ने ज़्यादा वैक्स लगाई है ना तो आप लोगों के बालों ने नहीं उतरना, आप लोगों को पेन ज़्यादा होगी। ये देखिए इस तरह से हमने वैक्स अप्लाई की है। अब मैं इसके ऊपर ये कवर रख रही हूँ। इस तरह आप लोगों ने एक दफ़ा इससे करना है। इस साइड से मैंने वैक्स लगाई थी ना, अब मैं इस साइड से उतारूँगी। ये देखिए ये वैक्स बिल्कुल नीट हो गई है, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं पड़ा, कोई रेडिश नहीं स्किन हुई। ये सिर्फ इस वजह से नहीं की हुई क्योंकि मैंने पहले पाउडर अप्लाई किया था।
ये देखिए इस साइड से हमने वैक्स लगाई थी, और ये हमने इस तरह से इसे एक बार रब करना है, और हम इसके ऑपोजिट साइड से ऐसे उतार देंगे। ये हमारी वैक्स जो है वो डन हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सूथिंग लोशन। पहले हम लोगों ने जो पाउडर लगाया था उसकी वजह से कोई रेड स्पॉट, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं पड़ा, ना ही कोई स्किन डैमेज हुई है, बिल्कुल अच्छे से वैक्स हो गई है। देखिए कितनी नीट वैक्स हुई है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सूथिंग लोशन। अगर आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले तमाम न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप। और जो लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।